Good drama play. They start with a big marble. The role of Nanda Vishakha and others, very appreciated. Also, Krishna is very good, especially that expression dance Saraswati dance was so appreciated. Gaur Prananda. कृष्ण ने छोटे बच्चे कृष्ण ने बाबा से पूछा नंद बाबा मेरी मैया पकवान बना रही है, ब्रज में भी पकवान बन रहे हैं, लड्डू और सब चीजें बन रही हैं, ये किस लिए? नंद बाबा ने कहा हमारी परंपरा से इंद्र की पूजा हम लोग आज के दिन करते हैं, इसलिए सारे ब्रज में सारे लोग पुआ पकवान लड्डू खीर मोहन भोग इत्यादि लेकर कल जाएंगे और गिरिराज को उनको इंद्र को हम लोग अर्पण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। बाबा ने कृष्ण ने उत्तर दिया यहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहाँ पर वर्षा नहीं होती? इंद्र बरसाने वाला नहीं, बल्कि हमारा गोवर्धन है, इसका नाम गोवर्धन है, गो को बढ़ाने वाला है, इसके संरक्षण में पानी भरा रहता है, इसकी तलहटी में घासें हैं, गायें खाती हैं, दूध देती हैं, उससे मक्खन इत्यादि निकलता है, संदेश इत्यादि बनता है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करना। नंद बाबा तो निरुत्तर हो गए, ठीक कहता है जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। फिर ढोरा पिटवा दिया गया, कल इंद्र की पूजा नहीं होगी, कल हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे, इसलिए सारा सामान सब लेकर यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। करोड़ों करोड़ों गाय, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण, करोड़ों करोड़ों लड़के, करोड़ों करोड़ों गोपियाँ, सब ढेर की ढेर पकवान पूरी इत्यादि सब चीज बना करके अपने घरों से और लेकर के आई, और वहीं कृष्ण को भोग लगाया। कृष्ण अपने आप एक कृष्ण रहे और गिरिराज गोवर्धन बन करके पर्वत के ऊपर में खड़े हो गए। कृष्ण ने स्वयं ही उनको प्रणाम किया, स्वयं को स्वयं ही इनको भोग अर्पण किया। गिरिराज जी अपने लंबे लंबे हाथों से सारा पूरी पकवान सब कुछ खा लिया। मानसी गंगा कुसुम सरोवर इत्यादि का पानी पी लिया, कहीं कुछ नहीं रहा, और फिर ज्यों का त्यों हो गया। कृष्ण ने कहा कि अब तक तो इंद्र की पूजा किए हो, क्या कभी इंद्र प्रकट होकर के इस प्रकार से भोग दिया, वरदान दिया? तो नहीं। तो देखो आज गोवर्धन स्वयं प्रकट होकर के और हमारा भोग ग्रहण किया और कहने के वर मांगो वर मांगो। तो ब्रजवासी ने कहा कि हमारा नंदनंदन यशोदानंदन लाला है, चिरजीवी है और इसका अतिरिक्त हमें कोई गौरव की जरूरत। इस प्रकार के अन्नकूट संपन्न कब हुआ? प्रतिपदा के दिन में। उसने सबसे पहले गौओं की पूजा हुई, उन्हें श्रृंगार किया गया था गायों का। इसके बाद में ब्राह्मण देवताओं का पूजन हुआ, वैष्णवों का पूजन हुआ। इसलिए उसी दिन गो पूजा भी कहीं कहीं होती है, गायों का पूजन होती है। हम लोग भी कल गायों का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, वैष्णवों का पूजन करेंगे। इस तरह से कल अन्नकूट है। अन्नकूट के लिए कहा गया है ऐसा, यदि गोवर्धन के लिए अन्नकूट में कोई एक अन्न भी दान करे तो ये अपनी एनर्जी उसमें दान करे। इसी प्रकार से सहायता करे। लक्ष्मी की भिक्षा मांग सकती है, किंतु वो आदमी भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। उसको कभी भी किसी भी जन्म में उसको अन्न की कमी नहीं होगी। इसलिए आप लोग भी किसी न किसी प्रकार से गोवर्धन की पूजा करने के लिए अन्नकूट में स्वयं अपने आप कुछ बनाओ। कल हम लोग जुल्दार जी के पास में जाएंगे, वहाँ पर उनका अभिषेक करेंगे, उनका अर्चन करेंगे, तौर पूरी करेंगे और फिर तब हम लोग आएंगे यहाँ। इसलिए आप लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने शरीर से प्रेमानंद के रसोई घर में सब खुला है, जाकर के कुछ कुछ अपनी शक्ति के अनुसार में बनाओ और कल के लिए प्रस्तुत होकर के हम समय पर जाएंगे। फिर आज पहले दिन और वहीं पर उनका पूजा की जाएगी। So this day, in the pastimes of Krishna, Baby Krishna asked to Nanda Baba, "Oh Baba, today Mother is making so many different items, like pakora, sabris, mohanakol, kheer, laddu. So what is the big occasion?" So Nanda Baba answered, according to our family's parampara, today is Indra Puja, because Indra supplies the rain, and by this rain we live, then we are worshipping him. Then Krishna answered, but in those places there is no Indra Puja, is there no rain? Instead of worshipping Indra, we should worship Gomadan, because it is he who is Gomadan, he who nourishes the cows, the gopis, and the gopas. Gomadan is very tall, he checks the rain clouds. Because of this, rain falls, the grass grows, the cows take the milk, and from this we live. Therefore we should not worship Indra at all, rather we should worship Gomadan. Nanda Baba could not give any answer. Therefore it was announced everywhere, tomorrow there will be no Indra Puja. Rather, we will take everything and offer to Gomadan. All the Vrajavasis cheered. Then I took millions and millions of persons, brought countless baskets of rice, pakoras, sabji, many things, here, bonbon, and everything was offered to Gomadan. In one form, Krishna was offering the bow. In another form, in the form of Gomadan, he was accepting the bow. In one form, Krishna did pranam to himself, and in another form of Gomadan, he offered the benedictions. Gomadan's hands were very long, therefore he was taking the offerings from everyone. Not only that, he drank all the water in the kunds like Manasi Ganga, Kusum Sarovar, and everything was completely finished. Then Krishna said, many years we performed the worship of Indra, but did we ever see Indra? Did he ever come and take our offerings and give us any benedictions? But the first time we worshipped Govardhan, he came and directly accepted everything. Then Krishna in the form of Govardhan said, choose a benediction, what you want. And all the Vrajavasis with one mind said, we want that our Nandanandan, our Yashodanandan may live a long and happy life. Therefore, according to the same process of worship that was performed in the time of Krishna, tomorrow we will also worship and decorate the cows, worship the Brahmanas and the Vaishnavas. Therefore, on this day of Annakut, who gives even one grain, or give their energy in some way to help with the festival, it may occur that Lakshmi may beg door to door, the goddess of fortune, but that devotee in this life and in any future life will not have any shortage at all. Therefore, use your energy. Tonight you can go and you can make something yourself, or anyhow help. So tomorrow morning we will take all the preparations and perform the Abhishek of Gomadan as well as offering prayers. Then we will return here for Mahamashan. Okay, so everyone can help in some way by body, mind, words and wealth, and everyone can be ready tomorrow morning. Giriraj Maharaj Ki Hare Krishna. আমাদের ক্যান্টিনের ওখানে অফিসে সমস্ত প্রকার বিরাজের ভোগের ব্যবস্থা আছে, যারা চান ওখান থেকে সংগ্রহ করে আপনারা নিয়ে আসবেন, কাল আপনারা নিজেরাই মাথায় করে নিয়ে যাবেন এবং ভোগ লাগাবেন। তো আমলোগ কা ক্যান্টিন মে অফিস মে বিরাজকে ভোগ লাগানে কে লিয়ে সমস্ত প্রকার কি ব্যবস্থা হ্যায়। आप लोग जो चाहे उधर से संग्रह करके ले आएंगे और कल अपने सिर में लेकर के गिरा के भोग लगाएंगे। So we have arranged so many preparation. It is available in our canteen and office. So whoever want, they can collect from there and can carry by your own head to Giriraj Govardhan and offer to Giriraj Govardhan. One more announcement. We have heard from Srila Guru Dev about Annakut Mahamashan. Whoever want to donate for Annakut, they can either direct to Srila Guru Dev just now, or tomorrow morning, or Shivananda Prabhu, or Tirtha Maharaj, Van Maharaj, Venak Prabhu, or myself. So Annakut के लिए आप लोगों ने सुना, जो कोई भी Annakut के लिए कुछ देना चाहते हैं, गुरु जी को डायरेक्ट दे सकते हैं या दे सकती हैं, या पेमान प्रभु को, तीरथ महाराज जी को, वन महाराज जी को, भजनाम प्रभु को, मुझको भी दे सकते हैं। अन्नकूटेर जन यदि लोग दीते चान, आप लोग एक उन्हीं से गुरुदेव के दीते पारें, अथवा पेमान प्रभु के, तीरथ महाराज के, वन महाराज के, भजनाम प्रभु आमा को दीते पारें। One more announcement. जगन्नाथ पुरी थे कि हमारे ब्रह्मचारी का ऐसे चें তারা খুব ছোট টিম হলেও খুব তাড়াতাড়ি বই প্রকাশ করছেন যে রথযাত্রা অরিজিনাল রথযাত্রা কোরিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ অল্ড আমাদের ওড়িশা দেয়ার পাবলিকেশন টিম ইজ ভেরি স্মল বাট দে আর পাবলিশিং সো মেনি বুকস ভেরি র্যাপিডলি উই ইজ ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য টিম অফ ওড়িয়া পাবলিকেশন This is the original Vrajavasis as before it done by English and Hindi. This is the original Vrajavasis. Another they published Damodarashtak. This is Damodarashtak in Odia language. Odia language में ये Damodarashtak published हुआ है original Vrajavasis. और गुरुजी ने बता दिया कि गौ पूर्णिमा भी गुरु जी को और लोग चाहिए, लोग गौ पूर्णिमा भी और दूसरे लोग गुरु जी को समर्पण करेंगे। आज दीपावली है। दीपावली में हम लोग दीप दान करने के लिए, दीप जलाने के लिए हम लोग अभी समस्त तीर्थ समाज के साथ जाएंगे मानसी गंगा में, और इधर भी कोई दीप जला सकते हैं। फिर आप लोगों से अनुरोध है कोई इधर कैंडल का व्यवहार ना करें। एवरीवन कैन गो फॉर दीपावली एंड दे कैन गो टू टॉप ऑफ आवर रूफ टॉप एंड एवरीवेयर, बट दे शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ कैंडल्स, इट स्पॉइल आवर स्टोन एंड इट्स टू हार्ड टू डू दैट। So whoever wants to donate for Annakut, they can come and donate to Srila Guru Dev just now. And when we go for Deepavali, be very careful. The two crowd has been made for beware for pickpocket. अभी हम लोग जाएंगे दीपावली में, पकड़ मार से सावधान रहेंगे। और दीपावली में जब वो पकड़ मार से सावधान रहेंगे तो ये बार डोनेट करना फूड काम एंड कम फॉरवर्ड टू डोनेट टू गुरुदेव। Even whoever wants, they not think they can do tomorrow morning also. Hare Krishna, hurry up please. Hello. आइए आप लोग प्रणामी दे दीजिए। गिव डोनेशन टू गुरुदेव। नाउ वी आर गोइंग टू मानसी गंगा। अभी हम लोग दीप के साथ मानसी गंगा